YouTube students were saying that the screen is blurry. Guys, I would say कि एक बार please तुम अपना जो net है वो check कर लो, because I'm also checking my phone फोन uh, uh, से भी video तो उसमें video मेरी ठीक आ रही है। तुम एक बार अपना net uh, setting check कर लो या फिर video के अंदर भी option होते हैं setting का वो कर लेना। Otherwise in Zoom are there anyone facing any issues? Are you all able to see the screen? Yes, sir. Okay, great. All right. Uh, how many of you all are excited? If you are all are excited for the session, please give me a thumbs up or or type me in chat box. You're all excited for this session. Great, awesome. Awesome! Awesome. Good guys. Good. Good. All right. All the very best, guys. Uh, study well. Do well. And uh, anything that you would like to ask, please do not hesitate to ask Anshul sir as well as myself. Uh, together we will ace and conquer our ACCS skill exams. And we will start the session in another two minutes. Okay. So. Just wait for a minute as well. thank you. And guys to so the students who are uh, watching this video on uh, YouTube live so uh, uh, if in case you can share this video this live video with your friends and knowns who want to start their FR classes and they're looking for a tutor so you can just share this video with them so that we video they can live video. और उनको एक आइडिया हो जाए कि हमारी क्लासेस जो होंगी वो कैसे होंगी एंड अगर क्लासेस नहीं भी लेनी हो सब्जेक्ट के बारे में सारा आइडिया हो जाएगा सब्जेक्ट तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक बार अभी मैं दोबारा सबको बताता हूं तो इस सेशन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एफआर सब्जेक्ट है क्या इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं क्या क्या चीजें तुम पढ़ोगे इसके प्री रेक्ट क्या हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा वो सब कुछ तुम्हारे को मैं बताऊंगा बताने के बाद देन आई विल आस्क यू कि तुम्हारे इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो मुझे पूछो जो भी डाउट्स होंगे तुम कमेंट्स चैट बॉक्स में लिख सकते हो यू कैन रेज योर हैंड एंड देन यू विल बी अलाउड टू यूज योर माइक एंड वहां से फिर आई विल टेक योर डाउट एंड देन आई मूव फर्दर नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमारा जो एफ का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या होगा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट्स रहता है वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एसीसीए uh, का कोई एग्जाम दिया है सो दे नो पैटर्न बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एसीसीए का भी कोई एग्जाम नहीं दिया तो उनको लगता है कि मेजरली सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहां से उनकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट आता है हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जून 24 फोर अटेम्प्ट जून 24 के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे So that, तुम्हारा जो सिलेबस है वो पूरा हमारा एग्जाम से पहले कैसे कैसे कंप्लीट होगा ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था बट यहाँ पे मैं और डिटेल में सारा बताऊंगा कैसे कंडक्ट करेंगे क्या क्या चीजें तुम्हारे को मिलेंगी कैसे कैसे तुम उन चीजों को यूज करोगे कब कब तुम्हें क्या चीज देखनी है ऐप तुम कैसे यूज करोगे उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रशांत तो लेट स्टार्ट विदर्स्ट पार्ट दैट इज

इस सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा प्री रेक्विजिट क्या होगा कि तुम्हें क्या पहले करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के लिए वो चीजों में से क्या क्या चीजें तुम्हारे को मिलेंगी कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रीवियस जो सब्जेक्ट है उससे लिंक करते हैं सो so दैट जो प्रीवियस सब्जेक्ट दैट इज एफ उसके रिगार्डिंग जो वीडियो में तुम्हें बताऊंगा देखनी है वहां से क्या चीजें तुम्हारी कवर होंगी तो गाइज एफ का जो सिलेबस है तुम्हारा सबसे पहले दिस बुक सोर्स इज बीपी जो स्टैंडर्ड और हाइब्रिड के स्टूडेंट्स हैं तो उन सबको मिलेगी यही वो बुक है और उसी बुक में से मैंने इंडेक्स लिया हुआ so, का है सो ये बीपीपी का है हो सकता है कापलान में चैप्टर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं या सेल्फ स्टडी करेंगे वो कापलान से देखेंगे तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है तो टोटल तो हमारे पास जो चैप्टर है गाइज दो थ्री चैप्टर्स इन एफ So, में हम करेंगे क्या एफ आर में यू विल बी डूइंग फाइनेंशियल प्रेपरेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेपरेशन एंड उसके रिगार्डिंग हमारे जितने भी आई एफ आर एस स्टैंडर्ड्स बने हैं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किन चीजों को कैसे कैसे हम ट्रीट करते हैं और उन सबका ट्रीटमेंट कंबाइन करके हम बुक्स कैसे बनाएंगे ये सारा इस सब्जेक्ट में आएगा एफआर में अभी तक जिन बच्चों ने एफ थ्री दिया है तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था जिन्होंने सीधा एफ से तुम स्टार्ट कर रहे हो तुम बिल्कुल ही आई एफ को एक नई तरीके से पढ़ोगे बिकॉज अभी तक तुमने इसके बारे में नहीं पढ़ा सो होता क्या है जनरली अभी तक तुमने क्या करा होगा अब तुम एफ में आए हो तो कहीं ना कहीं से तुमने अकाउंट थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा या में पढ़ा होगा या तुमने अपने एफ थ्री में पढ़ा होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली होता क्या है नॉर्मली अभी तक तुम तुम क्या करते थे? तुम करते थे थे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर तुम्हारे को बुक एंट्री होती थी जर्नल ट्रायल बैलेंस लेजर उन सबको यूज करके तुम्हें सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट कराना सिखाया गया था कि कैसे तुम अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो अपनी बुक्स बना सकते हो अब क्या होगा अब तुम्हारे को यहां पे स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताया जाएगा कि इस चीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है उस चीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, वो ट्रीटमेंट्स तुम्हारे को बताए जाएंगे और उन ट्रीटमेंट्स को डिटेल में पढ़ने के बाद इन डेप्थ तुम ये अपनी बुक्स बनाओगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो तुम्हारी होगी वो तुम बनाओ तो यहां पे हमारे जो टोटल ट्वेंटी चैप्टर्स हैं उसमें से हमारा अगर मैं तुम्हें बात करता हूँ कि बड़े चैप्टर्स या फिर हमारे जो सेक्शन uh, सी में आते हैं वो कौन से होंगे भी सेक्शन ए बी सी सब कुछ मैं बताऊंगा तो हमारे जो ये दो चैप्टर्स हैं ये मेजरली हमारे थ्योरी के चैप्टर्स हैं इसमें से प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं है और ये चैप्टर हमारा जो एफ सब्जेक्ट है बिल्कुल उससे रिलेट करते हैं थोड़े से उससे एडवांस्ड है

ये जो तुम्हारे सब्जेक्ट है चैप्टर्स है सॉरी सेवन टू इलेवन दीज ऑल आर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो तुमने एफ थ्री में पढ़े थे बट वहां पे सिर्फ तुमने वही स्ट्रक्चर बनाना सीखा था यहां पे इन सब की इन डेप्थ एडजस्टमेंट्स तुम करोगे और वही बुक्स जो तुमने एफ में बनाई थी वही यहां पे बनाओ ये पूरा तुम्हारा कॉन्सॉलिडेशन के टोटल फाइव चैप्टर्स हैं देन आते हैं हमारे चैप्टर्स नंबर ट्वेल्व टू सिक्स ये चैप्टर्स हमारे इंडिविजुअल टोटली डिफरेंट चैप्टर्स हैं एक दूसरे से लिंक नहीं करते एंड ये किसी ने भी एफ थ्री में नहीं करे हुए ये बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो किसी ने अभी तक एफ थ्री में नहीं करे हुए और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताए जाते हैं चीजों का कि उस चीज को तुम कैसे ट्रीट कर सकते हो ये चीज तुमने तुम्हें यहाँ पे बताई जाएगी देन आता है तुम्हारा प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तुम्हारा चैप्टर है सिंगल एंटिटी ये तुमने एफ थ्री में काइंड kind ऑफ of करा हुआ है बट अगेन यहां पे इन डेप्थ तुम ये चीज करोगे बट एफ थ्री में तुमने इसका स्ट्रक्चर करा हुआ है दिस इज कंप्लीटली न्यू चैप्टर दिस इज सेम जो तुमने एफ थ्री में करा है या तुमने पहले पढ़ा हुआ है दैट इज अकाउंटिंग रेशोस दिस इज अकाउंटिंग रेशोस रेशोस चैप्टर तुमने पहले पढ़ी हुई है और रेशोस में अभी तक तुम्हारे को सिर्फ रेशोस निकालने सिखाई गई थी कि रेशोस कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां पे इस चैप्टर में तुम्हारे को सिखाया जाएगा कि इन रेशोस का इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे कि अगर एक रेशो पिछले साल से बड़ी है तो क्या रीजन हो सकते हैं उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने के और कैसे तुम उस चीज को ठीक कर सकते हो वो इंटरप्रिटेशन तुम्हें यहां पे करनी पड़ेगी एंड वो तुम्हें पूरा पूरा टाइप करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे इसमें ऑप्शन इन द सेंस कि ऑप्शन दिए होंगे उसमें से सिलेक्ट करना होगा यू हैव टू टाइप द दर क्वेश्चन अभी तक पिछले जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं इस चैप्टर का ट्वेंटी मार्क का सेक्शन सी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार हंड्रेड परसेंट आएगा लेकिन नाइनटी परसेंटी परसेंट अब क्योंकि हर बार आ रहा है एसी सी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है क्या आ सकता है लेकिन ये पिछले हर अटेम्प्ट में इसका ट्वेंटी मार्कर का एक क्वेश्चन आया ही आया है तो इट इज एक्सपेक्टेड के इस बार भी इसका एक क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कैसे करोगे एग्जाम में कैसा आएगा वो सब कुछ तुम्हारे को मैं अभी बताऊंगा देन ये सिंपल तुम्हारा थियोरी है ये कैश फ्लो तुमने F, जो तुमने एफ जो में पढ़े होंगे या तुमने पहले पढ़े होंगे काइंड kind ऑफ of वैसे है, ये क्या समझ आएगी सब्जेक्ट एफ है हमारा उसमें से काफी चैप्टर्स हमारे लिंक्ड है तो ये हमारा बन जाता है सबसे पहला हमारा प्री रेक्ट प्री रेक्ट क्यों जब तुम एफआर का सिलेबस करोगे काफी जगहों पे नॉट ओनली फ्रॉम बीपीपी में भी काफी जगहों पे तुम्हारे को ये लिखा होगा कि ये चीज तुमने F3 में कवर कर रखी है या सीधा सीधा वो टॉपिक तुम्हारे को next part से बताया जाएगा तो अगर वो चीज तुम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करोगे दैट मीनस तुम्हारे को एफ थ्री का थोड़ा बहुत वहां पर पता होना चाहिए इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी तो सबसे पहला प्री क्या है कि तुम सबको एफ की मैराथन वीडियोस देखनी पड़ेगी यू हैव टू वॉच दी मैराथन वीडियोस ठीक है ये फोर फाइव सिक्स आवर्स की वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरा एफ थ्री का सिलेबस अच्छे से कवर कराया एक एक टॉपिक मैंने समझाया हुआ ठीक है तुम सबको सिर्फ वो मैराथन वीडियोस देखनी है इफ रिक्वायर्ड के तुम्हें लगता है कोई एक आधा चैप्टर हमें इन डेप्थ करना है तो उसकी तुम्हारे को वीडियोस मिल जाएंगी ये सारी वीडियोस सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगी चाहे वो बेसिक में है चाहे वो स्टैंडर्ड में है चाहे वो हाइब्रिड में है. ये तुम्हारे को पूरी मैराथन वीडियो देखनी है ताकि तुम्हारा एक हो जाए, और जब तुम्हारा ने तो बहुत इजीली ये चीज कर लेंगे लेकिन मैराथन वीडियोस करने के साथ क्या हमें क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे क्या वो चैप्टर हमें पूरा पढ़ के उसके एग्जाम फिट क्वेश्चंस भी करने उसकी जरूरत नहीं है यहां पे मैंने कोशिश करके एक एक चीज डेप्थ हर जगह बताई हुई है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़े बहुत बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है जो नॉर्मली उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने सीधा सीधा F7 से वो स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने F3 की एग्जाम ली है जिन्होंने एग्जम्पन ली है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है बट उस दिक्कत के लिए मैंने ये चीज बनाई है जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ठीक है ये चीज तुम्हारे को करनी है एफ की मैराथन के साथ साथ तुम्हारा जो सेकंड प्री है वो है तुम्हारा F2 का एक चैप्टर दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑल दो वेन यू क्लेम एक्समशन तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी चीजें तुमने ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं करी होंगी ठीक है ना लेकिन ऐसा होता नहीं है वहां पे हमें इतनी इन डेप्थ चीजें नहीं बताई जाती जो एक प्रोफेशनल लेवल के लिए हम सबको चाहिए तो तुम्हारे को ये भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जो तुम्हारे को देखनी है बट ये अभी नहीं प्रोवाइड की जाएगी ये जहां पे लिंक होगी वहां तुम्हारे को प्रोवाइड की जाएगी तुम्हारी ऐप में ही होगी ये वीडियो जहां पे भी मैं बताऊंगा जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जहां पे भी बताऊंगा कि तुम्हारी कोई वीडियो देखनी है जस्ट गो टू दी ऐप ओपन वीडियो एंड वॉच दिस इससे तुम्हारे को पता चलेगा एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक टॉपिक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसमें प्रेजेंट वैल्यू आता है तुम्हारा ठीक है डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है एनोटी आता है वो चीज तुम्हारे को चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा ठीक है ये करने के बाद ये दोनों हमारे प्री रेक्ट हैं ये करके ये चैप्टर ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है तो ये है तुम्हारा गैस पूरा एफ का एक सिलेबस और उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू इससे ज्यादा इन डेप्थ अभी ना तुम्हारे को जानने की जरूरत है ना मैं अभी इन डेप्थ बताऊंगा बिकॉज अभी मैं बताऊंगा तुम कहोगे सर इसमें ऐसा क्यों है इसमें ऐसा क्यों है वो चैप्टर जब तुमने पढ़ना है तो वहां पे भी ऑफ कोर्स होना ही है तो देर इज नो पॉइंट कि वो चीज मैं तुम्हारे को अभी इन डेप्थ बताऊं ठीक है अब गाइस इस चीज के रिगार्डिंग अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया इसके रिगार्डिंग इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड सो दैट मैं उसका डाउट अभी यहां पे सॉल्व कर दूं एंड देन आई विल मूव फर्दर टू नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हारा एफआर का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा एक क्वेश्चन आया नॉमन नसीर का यूट्यूब पे ही आस्किंग के लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा मॉडरेट होगा नॉर्मन uh, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है मॉडरेट मैं नहीं कह सकता ठीक है एसीसीए पे डिपेंड करता है ये बहुत बार ऐसा देखा गया कि लेवल ऑफ क्वेश्चन ईजी भी आए हैं बहुत बार ऐसा देखा गया कि लेवल ऑफ बहुत ज्यादा हाई भी आए हैं हाई आई डोंट मीन के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है इट इज मोर कॉन्सेप्चुअल जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है दे कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन उनको आए दे कैन सॉल्व तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल और इजी नहीं रहेगा सभी का यू डोंट नीड एनी अदर ऐप ठीक है ये जो हमारा uh, uh, मैं बता रहा हूं हमारा जो वी गाइड ऐप है इसी ऐप में तुम्हारे को सारी वीडियोस मिलेंगी यू डोंट नीड टू गो टू यूट्यूब और एनी इसी ऐप में वी गाइड में ही तुम्हारे को एफ का जो मैंने बताया था प्रोजेक्ट चैप्टर है उसकी वीडियो यहीं पे तुम्हारे को मिलेगी ये जो जाउमी अच्छा मोबाइल का नंबर है ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है आ, दिस क्वेश्चन इज के आ, सर डू एनी ऑप्शन पार्ट सी अभी एग्जाम जो बायोफोकेशन होगा अभी सब्जेक्ट जो बायोफोकेशन में बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या होता है एबीसी वहां से तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी व्हाट बुक्स वी कैन रेफर कापलान और बीपीवी ठीक है व्हाई नॉट कापलान बिकॉज काप्लान बुक जो है वो वैसे ईजी है बट वो बहुत ईजी है लिटल मोर कॉन्सेप्चुअल एंड तुम्हारे को थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स करने जरूरी है डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जरूरी है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझना जरूरी है आई एम हेयर टू मेक दिस लैंग्वेज इजी फॉर यू बट जो बीपीपी में क्वेश्चन का लेवल है वो काफी हाई है एज कंपेयर टू काप्लान सो आई नॉट से जो बच्चे कापलान से करते हैं उनका थोड़ा सा उनको समझ नहीं आता ऐसा नहीं है समझ आ जाता है लेकिन समझने के साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं ठीक है ना और कापलान में काफी सारी चीजें जो हैं वो इतनी इनडेप्थ बताई हुई है जो कि रिक्वायर्ड नहीं तो दैट्स एम यूजिंग है ये क्रक्स में है ठीक है ये बुक के अंदर क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है इसमें अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं हैं जो रिक्वायर्ड वही दिए हुए बाकी सारे तुम्हारे एग्जाम किट में अच्छे से कवर किए गए तो दैट्स वाई यू विल बी गिवन बी प्रोवाइडेड बीपीपी स्टडी टेक्स एंड एग्जाम किट ओके डज दिस ऐप वर्क इन दुबई यस

रिकॉर्डेड सेशन तो तुम कापलान की बुक से कर सकते हो बट थोड़ा सा इशू तुम्हारे को ये आएगा कि क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं ना कापलान में वो बहुत ज्यादा इजी है जब तुम ए से स्टडी हब के क्वेश्चन करोगे मैं बताऊंगा अभी जब तुम स्टडी हब के क्वेश्चन करोगे वहां तुम्हारे को थोड़ी सी दिक्कत आएंगी कि लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट होगी समझने के लिए दैट्स दैट्स रिकमेंड स्टूडेंट्स बीपीपी एंड टीच फ्रॉम बीपीपी वी हैव टू डू बोथ एग्जाम किट बुक्स और ओनली वन ओके आशिम तुम्हें सिर्फ जो क्वेश्चन करने हैं वो तुम करोगे बीपीपी के एग्जाम किट के ठीक हम है वो. ये जो प्लान वगैरह के doubts हैं ठीक है और कुछ चीजें हैं वो मैं आगे करता हूँ बिकॉज अभी चीजें मुझे काफी और बतानी है यूट्यूब पे अभी और कोई डाउट आया है बीपीपी किधर से प्रोवाइड होगा ओके ठीक है जिन भी स्टूडेंट्स के डाउट इंडिविजुअल डाउट है बीपी वगैरह कहां से मिलेंगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे को इस सेशन के बाद तुम्हारे कमेंट के नीचे ही मैं तुम्हें बता दूंगा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इज एग्जाम एग्जाम पैटर्न पैटर्न ऑफ तो से पहले मैं तुम सबको एक छोटी सी चीज बताता हूं जिसमें बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है एफआर का या जो एग्जाम में क्वेश्चन आते, है, आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे MCQ आते हैं स्टूडेंट्स मतलब क्वेश्चन है से भी, and personally भी मुझे करते हैं कि सर हमें तो लग रहा था एमसी से से करना होगा लेकिन वहां तो हमारे को आ गया वैल्यू लिखनी आ गई तो मैं पता ही नहीं था तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि हमारे क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं वॉट आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे देन आई टेल यू की हमारा कौन से सेक्शन uh, में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे बट पहले टाइप एक बार सारे समझ लो सबसे पहले है हमारा एमसीक्यू सी क्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक छोटी सी चीज माय टीम फ्रॉम वी गाइड मीना अजीम असलम एंड मोसिन अगर तो यूट्यूब पे स्टूडेंट यूट्यूब पे जो डाउट्स हैं गाइस इफ यू कैन जस्ट सॉल्व सम डाउट जैसे आपके रिगार्डिंग कुछ डाउट है स्टूडेंट्स के तो यू कैन सेंड मैसेज इन दी ऐप ठीक है चलो सो मल्टीपल फ्रॉम बीपीपी की जो एग्जाम कि दी जाएगी ई e बुक उसके अंदर इसी तरह से क्वेश्चन होगा यू हैव टू सिलेक्ट दी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आंसर कहीं पे लिखा होगा यू हैव टू सिलेक्ट दिन से ये आंसर है तुम सिलेक्ट करके नीचे तुम्हें बटन मिलेगा सबमिट का

मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्या होगा तुम्हारे को ऐसा एक क्वेश्चन का फॉर्म आएगा अब इस क्वेश्चन में क्या है यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम ईच ऑप्शन कि क्या उसका आंसर होगा हो सकता है इसका ये हो हो सकता है इसका ये हो हो सकता है ये हो, हो सकता है ये तुम्हें ये चारों सिलेक्ट करने पड़ेंगे चारों ऑप्शन का एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे को तीन चार पांच ऑप्शन दिए जाएंगे ये भी हो सकता है कि तुम्हारे को चार ऑप्शन दिए हों या पांच ऑप्शन दिए हों उनमें से यू हैव टू सिलेक्ट टू और थ्री ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है इट ऑल कवर्स अंडर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन नेक्स्ट मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है अब जैसे तुम्हारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में तुम्हारे को दो चीजें सिलेक्ट करनी है दो तुम्हारे को आंसर देने हैं यहाँ पे व्हेन यू क्लिक हेयर इन द ड्रॉप डाउन तो तुम्हारे को यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आ जाएंगे ये पीडीएफ है तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मेरे पास तो यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आ जाएंगे यू हैव टू सिलेक्ट ठीक है एंड यहाँ पे भी तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा इस टाइप के भी क्वेश्चन तुम्हारे मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आते हैं तीसरा जो हमारा ऑप्शन आता है दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस अब डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन दिया होगा यहां पे तुम्हारे को ब्लैंक स्पेस होगी यहां पे तुम्हारे को टाइप करना पड़ेगा अपना आंसर यू हैव टू टाइप योर आंसर ठीक है और वो टाइपिंग के लिए तुम्हें यहां पे क्वेश्चन के साथ एक इन्फॉर्मेशन दी होगी जो हर स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़नी है इसमें यह लिखा होगा कि तुम्हारे को फिगर्स इन मिलियन देनी है या क्या ऑप्शंस तो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि तुम्हारे को यहां पे वर्ड में कुछ टाइप करना पड़ेगा जैसे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और टू फॉल्स ऐसा टाइपिंग वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आता ना एमसीक्यू में ना मल्टीपल क्वेश्चन क्वेश्चन में 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 ना डायरेक्ट इन सब में या तो नंबर लिखने को आएंगे या फिर तुम्हारे को को ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा तुम्हें कभी ऐसा इंक्रीज रिड्यूस लिखने को नहीं आएगा किसी को ठीक है तो ये है तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में एक मिथ बहुत सारे स्टूडेंट का होता है या एक डाउट काफी सारे स्टूडेंट्स का होता है वो ये बोलते हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो हमारा जो आंसर है टू थर्टी और इसमें ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं है क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हम तो कैलकुलेटर पर यूज करते हैं कई स्टूडेंट थ्री फोर पॉइंट के बाद फिगर यूज करेंगे किन्नी ने थ्री फोर पॉइंट के बाद वाली फिगर यूज करी हमने सिर्फ दो से आंसर निकाल लिया तो क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा एसीसीए को पता है कि तुम स्टूडेंट का आंसर किस किस रेंज में आ सकता है उस सिचुएशन में एसीसीए क्या करते हैं वो यहां पे इसका जो आंसर है उसकी एक रेंज यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि टू थर्टी सिक्स टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से टू थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इसके बीच में जिसने भी जो आंसर दिया है जिस भी स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो आंसर सही हो जाएगा इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हें फिगर्स लिखनी पड़ती है प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन में जो गलती क्लेरिकल मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को ऐसे लिखा हुआ है इट मींस आंसर तुम्हारे को इन थाउजेंड देना है तुम्हारा जो आंसर आ रहा है तुम्हारा आंसर आ रहा है लेट से टू हंड्रेड थाउजेंड तुम्हारा आंसर आ रहा है ठीक है टू हंड्रेड थाउजेंड इज योर आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में वो सीधा यहाँ पे टू हंड्रेड क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो तुम्हें जो अपना देना होगा, it should be 200. अब ये सारी जो तुम्हारी है ना छोटी छोटी ये तुम्हारे इशू जब तुम बीपीपी की एग्जाम किट सॉल्व करोगे वहां तुम्हारे सारे इशूज क्लियर हो जाएंगे क्यों क्योंकि एग्जाम किट में देखो ऐसा ही ऑप्शन है इसी तरह से ब्लैंक स्पेस है यू विल राइट योर आंसर तुम्हारा आंसर अगर गलत होगा तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा अच्छा यहां जीरो था मैंने जीरो की जगह आंसर दे दिया ऐसे दो तीन आंसर अगर तुमने एग्जाम किट में गलत कर दिए आगे कभी लाइफ में तुम ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं दोज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये इमेज थोड़ी सी तुम्हें ब्लरी दिखेगी क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ठीक है बट अभी तुम्हें ऑफ कोर्स ये पढ़ना नहीं है क्या लिखा हुआ है ये सिर्फ स्ट्रक्चर है जो तुम सबको समझना है तो यहां पे क्या होगा तुम्हारे को एक ऐसा क्वेश्चन यहां पे दिया जाएगा ठीक है क्वेश्चन है ये स्क्रोल भी तुम्हें करना होगा नीचे भी काफी चीजें लिखी होंगी यहां पे अभी उसके बाद क्वेश्चन यहां पे कॉन्टिन्यू हो रहा होगा जैसे क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्ट है तो यहां तुम्हारे को एक स्प्रेडशीट इसे बोला जाता है स्प्रेडशीट ये स्प्रेडशीट तुम्हारे को यहां पे गिवन होगी ऐसे तुम्हारे को स्प्रेडशीट गिवन होगी इस स्प्रेडशीट में तुम्हें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होगा और ये ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा आता है पूरा सॉल्व करना होगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं कहता हूँ तुम्हें एक बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे यहाँ पे एसेट्स फिगर कौन सा एसेट फिगर क्या टोटल देन लाइबिलिटी उसका टोटल वर्किंग नोट्स वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे बनाना पड़ेगा मैंने अपनी जो क्लासेस है उन सारी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन लाइव

तो ये है हमारे टाइप ऑफ तुम्हारे को जो एग्जाम में आएंगे अब बात करते हैं हम अपने F7 के marking scheme की, के की कि क्या है questions कौन कौन से section किस आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन होता है दैट इज हंड्रेड मार्क्स का हमारे पेपर होता है थ्री आर्स का हमारा जो ये एग्जाम होगा एंड एग्जाम होगा सी बी दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऐसा नहीं है कि फिजिकल कॉपी पेन में तुम्हें लिखना होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा कंप्यूटर पे तुम्हें एग्जाम देना होगा यू विल हैव टू ऑप्शन या तो तुम कोई सेंटर बुक कराओगे वहां पे जाके एग्जाम दोगे या फिर तुम रिमोट बेस दैट मीन्स अपने घर पे भी एग्जाम दे सकते हो इसकी मेरी प्रेफरेंस थोड़ी कम होती है आई ऑलवेज प्रेफर स्टूडेंट्स टू गो फॉर सेंटर बेस देन अगर इन केस तुम्हारे आसपास कोई सेंटर नहीं है बहुत दूर जाना पड़ेगा एंड तुम्हें लगता है तुम्हारे घर का नेट बिल्कुल ठीक है इन्वायरमेंट ठीक है देन यू कैन गो फॉर रिमोट बेस इसके लिए मैंने स्पेसिफिक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है विच एल शेयर अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो हंड्रेड मार्क्स का हमारा पेपर होता है ये तीन सेक्शंस में डिवाइड होता है एक आता है हमारा सेक्शन ए एक होता है सेक्शन बी एक होता है सेक्शन सी सेक्शन ए जो मार्किंग है is, ये होता है थर्टी मार्क का सेक्शन बी भी हमारा होता है थर्टी मार्क का एंड सेक्शन सी जो है दैट इज फॉर फोर्टी मार्क्स आज ये डाउट में तुम्हारा अभी आगे सॉल्व करूंगा सेक्शन ए में तुम्हारे को जो क्वेश्चन के टाइप्स आते हैं यहां तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव 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 आएंगे। आएंगे, तुम्हारे को यहां पे आएंगे. Two mark का तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा दैट मीन थर्टी मार्क्स से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव मतलब तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे को एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे को यहां पे आ सकते हैं अब यहां पे एक डाउट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का राइज होता है वो ये है कि सर अगर हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जहां पे हमारे को पांच ऑप्शन में से दो सिलेक्ट करने हैं हमने एक सही करा और गलती से हमारा एक गलत हो गया तो क्या हमारे को टू में से वन मार्क्स मिलेगा या जीरो मार्क्स तो यहां तुम्हारे को उस चीज के जीरो मार्क्स मिलेंगे यहां पे पार्शियल मार्किंग नहीं होती यू हैव टू गेट ऑल दी ऑप्शन करेक्ट तभी तुम्हारे को मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज नहीं मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर देन आता है हमारा सेक्शन बी सेक्शन बी में तुम्हारे थ्री के स्टडीज आएंगी थ्री के स्टडीज हर के स्टडी में फाइव क्वेश्चन होंगे एंड एवरी क्वेश्चन इज फॉर टू मार्क्स तो थ्री के स्टडीज आएंगे इन इन ईच ईच स्टडी स्टडी क्वेश्चन और हर क्वेश्चन टू मार्क्स का दैट मीन थ्री केस स्टडी हो गई टेन ईच हर केस स्टडी टेन ईच की होगी यहाँ पे क्वेश्चन क्या होंगे ये तीनों क्वेश्चन टाइप तुम्हारे को यहाँ पे आएंगे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को स्प्रेडशीट में आंसर लिखना पड़ेगा नहीं यही टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे को यहाँ पे आएंगे ऐसे तुम्हारे को केस दिया होगा पहला क्वेश्चन चार ऑप्शंस दूसरा क्वेश्चन हो सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हो ऐसा दिया होगा अब यहाँ पे भी तुम्हारा डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लो हमने एक क्वेश्चन सही कर दिया है गलत कर दिया तो क्या हमारे टेन में से जीरो मार्क्स आएंगे क्या तो या तो टेन आएंगे या जीरो नहीं ऐसा नहीं है इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज देखा जाता है कि इस क्वेश्चन का तुम्हारा सही होना जरूरी है अगर ये क्वेश्चन सही है टू मार्क्स का तो टू मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन गलत है तो इसके गलत है ऐसा नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन के मार्क्स इससे डिपेंड करते हैं हाँ इस क्वेश्चन के लिए अगर ये मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है तो सेम हमारा कोई पार्शल मार्किंग यहां पे नहीं होगी अगर दोनों ऑप्शन तुमने गलत से रहे, एक सही है एक गलत कोई मार्क उसका तुम्हें नहीं मिलेगा ये है तुम्हारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस पांच के स्टडीज और सॉरी थ्री के स्टडीज टेन मार्क्स ईच मार्क्स और हर केस स्टडी में 5 आते हैं अब कई बार मैंने देखा है कि ए में थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी होती है कई बार 5 की जगह हमारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कईय में एक क्वेश्चन भी चार पांच ऑप्शन वो पूछ लेते हैं तो कैसे भी तुम्हारे को क्वेश्चन आ सकते हैं उस चीज का मैं फिक्स नहीं बोलूंगा बट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है एज आई टोल्ड यू के एसीसी थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल चलती है देन आते हैं हमारे मेजरली सेक्शन सी क्वेश्चंस जहां पे तुम्हारे को टू क्वेश्चंस आएंगे Two questions आएंगे 20 marks each, एक question तुम्हारा 20 mark का होगा. होगा? पे तुम्हारे को टाइप क्या होगा, subjective question जो मैंने तुम्हारे को को क्या जो मैंने ऊपर अभी दिखाया था कि एक question कैसे सब्जेक्टिव आता है अब यहाँ पे एक चीज मैंने तुम सबको बताई थी कि जब तुमने इंटरप्रिटेशन चैप्टर में तुम्हें दिखाया था मैंने बताया था इसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया इट इज एक्सपेक्टेड यहां भी पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में तुम्हारे को स्प्रेडशीट की जगह वर्ड फाइल गिवन होगी यू विल बी गिवन अ वर्ड फाइल यही सेम फॉर्मेट होगा दिस सेम फॉर्मेट फॉर्मैट स्प्रेडशीट की जगह तुम्हारे को पूरा वर्ड फाइल दी होगी एंड यू हैव टू टाइप योर आंसर पूरा आंसर तुम्हें टाइप करना पड़ेगा कैसे टाइप करना है कैसे आंसर लिखना है वो जब तुम क्लास स्टार्ट करोगे और एग्जाम के क्वेश्चन करने शुरू करोगे सब कुछ तुम्हारा वहां पे क्लियर हो जाएगा जब तुम मेरे दो तीन क्वेश्चन सॉल्विंग देखोगे सब कुछ तुम्हारा वहां पे क्लियर हो जाएगा

आ सकता है तो सेक्शन सी में तुम्हारे को इंटरप्रिटेशन कंसोलिडेशन से यू कैन एक्सपेक्ट कि यहां से तुम्हारे को सेक्शन सी का क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी का क्वेश्चन तुम्हारे को प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां से भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यहां से भी सेक्शन सी के क्वेश्चन आ सकते हैं सो दीज आर मेजर फोर चैप्टर्स ये पूरा एक ही टॉपिक uh, है दैट इज कंसोलिडेशन उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं दीस आर मोर फोर डिफरेंट टॉपिक्स जहां से यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट सेक्शन सी क्वेश्चंस इसके अलावा नहीं देखेंगे कि कहीं से सेक्शन सी के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है तो ये है तुम्हारा किस तरह का तुम्हारा एग्जामिनेशन क्वेश्चन का एग्जाम का तुम्हारा पैटर्न आएगा तो अब इस एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो दे कैन रेज योर हैंड एंड देन आई सॉल्व योर डाउट बाकी मैं यूट्यूब से भी देख रहा हूं किसी किसके डाउट हैं आई थिंक जाउमी जो तुमने uh, मुझे आई डोंट नो योर नेम जो तुमने क्वेश्चन पूछा डू एनी ऑप्शन क्वेश्चन कम फ्रॉम सेक्शन सी ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा स्टेप मार्किंग सेक्शन परिहा सी में तुम्हारी स्टेप मार्किंग होती है सेक्शन सी में जो एग्जाम चेकर होता है उनको ये बताया जाता है कि पूरा सॉल्यूशन है इसके इतने इतने मार्क्स हैं जो जो चीज स्टूडेंट ने सही लिखी है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देने वहां पे पार्शल मार्किंग होती है

you can expect section C questions from these four chap four chapters consolidation presentation of financial statements uh, interpretation of financial statement and statement of cash flows baki isme jo chote mote jaise financial statements जो तुम्हारा chapter है preparation of financial statements इसमें जब तुम पूरी books बनाओगे तो यहाँ से भी छोटे छोटे topics cover होंगे कि जैसे इसको कैसे treat करना है books में

कि कैसे फॉर्मेट बनाओगे कैसे क्या चीज देखनी है टाइम पीरियड में कैसे मैनेज करना है वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है प्लस इस बार मैं फोर टू फाइव के साथ साथ कोशिश करूंगा टू टू थ्री और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे एड कर विकास जो सेक्शन सी है सेक्शन सी में देखो दो चीजें एक तो तुम्हारा मैंने बताया स्प्रेडशीट में तुम्हारे को फॉर्मेट बनाने को आएगा ठीक है ना अब जो फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो तो एज इट इज बनाना पड़ेगा उसमें तो देर इज नो ऑप्शन टू चेंज द फॉर्मेट हाँ जो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आएगा वर्ड फाइल में जो तुम्हें टाइप करना होगा एब्सोलूटली राइट यू हैव टू राइट दी आंसर इन योर ओन लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि बुक इस लैंग्वेज तुम्हें यूज करनी है बुक्स सिर्फ हम जो पढ़ेंगे दैट इज टू क्लियर ऑल दी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमें बुक पढ़नी है रट्टाफिकेशन नहीं है कि बुक में इसका आंसर ऐसे है तो हमें ऐसे ही करना है Concept समझेंगे एंड वी हैव टू राइट आंसर इन ओन लैंग्वेज एसी के बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो नलीफाई होने शुरू हो गए हैं मेजरली ये ऑडिटिंग में होते हैं उसका रीजन होता है नलिफिकेशन का कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जैक्टली सेम आंसर दिया है सेम क्वेश्चन का क्यों उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ना लिखे बुक की लैंग्वेज रख ली थी और वैसे आंसर दे दिया था ऐसा नहीं है यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज डू वी रीड गुड स्किल्स इन एक्सएल गुड स्किल की जरूरत नहीं है ठीक है वो क्या कैसे कैसे होते हैं प्लस दिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस द मोर प्रैक्टिस यू डू सेक्शन सी के क्वेश्चन की वहां से तुम्हारे को और ज्यादा एक स्पीड बनेगी तुम्हारी तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस करने से स्पीड बनेगी बाकी तुम जितनी मर्जी एक्सेल का कोर्स भी तुम कर लो स्टिल प्रैक्टिस करके ही तुम्हारी स्पीड आ पाएगी बाकी कोई एडवांस कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल स्किल बस कंप्यूटर तुम्हें तो चलाना आना चाहिए टाइपिंग करनी आनी चाहिए बस तुम्हें टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी दैट इज ओनली थिंग रिक्वायर्ड एग्जाम किट इज इन बुक और नहीं एग्जाम किट इज डिफरेंट एग्जाम किट अलग आती है और बुक अलग आती है

अभी जो प्रीवियस बैच भी हुआ है उसमें जो स्टूडेंट्स ने स्टडी हब के क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज आती है वो काफी स्टडी हब की लैंग्वेज होती है मैं नहीं कहूंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है लैंग्वेज स्टडी हब की होती है तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज तुम लैंग्वेज से बहुत हैंडी हो जाओगे दैट विल हेल्प यू तो स्टडी हब तो करना काइंड kind ऑफ of, मैं कहूंगा मैंडेटरी है ठीक है ना अभी ये सारा भी बताऊंगा कि स्टडी हब कैसे करोगे तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा है ठीक है ना ये तो बहुत ज्यादा है

एक मेजर देख लेना हमारा जो तुम्हारा रेवेन्यू uh, है रेवेन्यू में थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हुआ था रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर शायद उस बुक में पुराना ट्रीटमेंट हो तो ध्यान से वीडियो देख के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना सर आई एम कंफ्यूज इन एग्जाम किट और वर्क बुक सी वर्क बुक जो है हमारी वर्क बुक इज स्टडी टेक्स्ट वर्क बुक इज स्टडी टेक्स्ट ठीक है एंड जो तुम्हारा एग्जाम किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हारे को शो कर देता हूं कैसे तुम्हारे को बुक्स मिलेंगी आई शो यू डोंट वरी एफ आर की बुक तुम्हारे को मिलेगी दिस इज स्टडी टेक्स ठीक है इसमें जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू गो टू दिस चैप्टर रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट आई जस्ट क्लिक ऑन दैट विल गो टू दैट चैप्टर सो ये है बुक जहां से हम पढ़ेंगे ये पूरी बुक है जहां से हम अपना चैप्टर कवर करेंगे इसमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस हैं इसमें ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम किट अब एग्जाम किट में दिखाता हूं तुम्हारे को कैसे होगी This is FR की एग्जाम किट ये भी तुम्हारे को ई e बुक मिलेगी इसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हैं सी मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर देता हूं ये देखो इसमें तुम्हारे पूरे-पूरे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें सॉल्व करने

जो ये जो ये ये करंट लेक्चर मेरा चल रहा है लाइव, ओन्न लाइव अपलोड करूंगा चलो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जून अगर हम आज से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो कैसे हम जून के लिए प्रिपेयर करेंगे ओके चलो अब ये देखते हैं तो देखो तुम सबको एक प्लानर so, मिलेगा यहाँ पे मैंने शॉर्ट में प्लानर प्लानर रखा हुआ है सारा यू विल गेट दिस इन अ प्रॉपर फॉर्मैट ये मैंने अभी क्रक्स में तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बनाया है ऐसा तुम्हारे को एक प्लानर मिलेगा जहां पे तुम्हें बताया जाएगा कि पहले वीक में जैसे 17 से मतलब कल से एक ही बात है कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि इस वीक में तुम्हारे को कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने ठीक है और कौन कौन सी वीडियो तुम्हारे को देखनी है क्या क्या कर रहा है वो तुम्हें यहाँ पे बताया जाएगा ऐसे हर वीक का तुम्हारे को प्लान मिलेगा जो स्टूडेंट्स मेरे हाइब्रिड वाले हैं उन सब के साथ मैं एक वीक का प्लानर डिस्कस करूंगा कि इस वीक तुम्हारे को क्या करना है नेक्स्ट वीक उन सब से मैं डिस्कशन करूंगा कि उस वीक जो भी उन्होंने किया, क्या क्या किया डाउट से मेजरली डाउट जो है वो मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दूंगा लेकिन अगर किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है कोई बड़ा डाउट है वो सारा मैं लाइव डिस्कशन में सॉल्व करूंगा सबसे उनका स्टेटस लिया जाएगा

डेट ऑफ इसमें होगा कि मैं तुम्हें अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेवनटीन से दैट इज कल से या आज से अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे एक वीक में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं रखे हुए बहुत लिमिटेड चैप्टर्स रखे हुए विच यू कैन ईजिली डू तो तुम्हारे को इन सब की बीपीपी की रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें पूरा स्टडी टेक्स कवर है हर एक एक्टिविटी कवर है उसमें हर एक क्वेश्चन कवर है तुम्हें एग्जाम किट की वीडियो मिलेगी जहां पे पूरे सेक्शन ए की वीडियोस कवर है सेक्शन बी के मेजर क्वेश्चंस कवर है और सेक्शन सी के मैंने सारे क्वेश्चन नहीं मैंने सेवेंटी परसेंट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं रीजन क्योंकि बाकी मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स खुद भी सॉल्व करें सारी मैं रिकॉर्ड करके अगर कर भेज दूंगा तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन बचेंगे नहीं और वो एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाएगी बाकी अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट आता है तो वो मैं क्लास में लाइव भी सॉल्व करवाऊंगा आई हैव अ लाइव सेक्शन सी सॉल्विंग क्लास क्लास एज वेल डिस्कशन में जो हमारी वीकेंड पे होती है जहां पे पूरे हमारा एक सेक्शन सी का क्वेश्चन सामने सामने मैं सॉल्व करवाऊंगा तो ऐसे तुम्हारे को वीडियोज देखनी है एंड जो रिकॉर्डेड वाले होंगे वो ये प्लानर के अकॉर्डिंग दे कैन फॉलो उसके बाद अगर हम प्लानर को देखें तो मेजरली हमारा जो सिलेबस है मैं तुम्हें वैसे दिखाऊं जैसे फर्स्ट वीक वीक में में हमारे चैप्टर्स चैप्टर्स हैं सेकंड यहाँ पे जो मैंने डाले तो हमारा जो सिलेबस है वो सेवनटीन ऑफ मे को हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस जो मेरा बैच गया है उसमें एट्टी परसेंट स्टूडेंट्स ने हमारा जो प्लानर था वो अचीव करा था एग्जैक्ट टाइम पे हमारा syllabus उन्होंने complete कर लिया था। कुछ students से किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए थे जिन्होंने जिन्होंने किया था या जिन्होंने कोई बीच में डिले हो गया था बट मेजरली सेवनटीन मे तक सबने अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया था तो विद uh, 16, सेवनटीन या ट्वेंटी डेज

स्टडी हब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे क्योंकि तुम एग्जाम पे कवर कर चुके हो दोबारा करोगे सेम क्वेश्चन सही हो जाएगा यू बी ओवर कॉन्फिडेंट क्या है तो मुझे आता है तो तुम स्टडी हब से क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे जो सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं उसके लिए एसीसीए प्रैक्टिस हब है जहां पे तुम्हारे को

सिर्फ मॉक प्रैक्टिस तो बीपीपी में तुम्हारे तीन मॉक्स हैं उसमें से तुम टू करोगे के करोगे के मॉक्स उसके बाद एक मॉक तुम्हारे को हम एक्सपर्ट सेवैल का देंगे हाइब्रिड वालों को को वो भी तुम्हारे करना है मॉक प्रैक्टिस करके जब मैं चेक करूंगा हर स्टूडेंट से डिस्कस करूंगा इश्यूज डिस्कस करूंगा यहां तुम्हारे मेजरली प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया होगा कि इन चैप्टर में प्रॉब्लम है चलो उसको रिवाइज कर लो एग्जाम वीक के अंदर तुम्हारे को ये चीज करनी होगी सब कुछ तुम्हारे को दिया जाएगा एग्जाम वीक में तुम्हारे को ये सब कुछ करना होगा ठीक है और इसके बाद तुम अपना एग्जाम दोगे एंड अभी तक पिछले दो अटेम्प्ट में तीन अटेम्प्ट में इनफैक्ट मार्च दिसंबर हाँ पिछले दो अटेम्प्ट में मैंने एक चीज देखी है जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने गए ठीक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद इस चीज से खुश हुए कि उनके सारे कॉन्सेप्ट सही थे कोई दिक्कत नहीं है उनको कॉन्सेप्ट्स में सब कुछ आता था सिर्फ ये था क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई था तो कुछ क्वेश्चंस रह गए या फिर हमने सेक्शन सी के क्वेश्चन में टाइपिंग थोड़ा स्लो कर दिया इस वजह से कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं बोला कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे हमें आते ही नहीं थे ऐसा किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला सबने बोला कि सर आपकी जो वीडियोस थी जो आपकी क्लासेस थी हाइब्रिड रिकॉर्डेड सब कुछ हमें आता था सिर्फ ये था कि उन्होंने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे स्टडी हब के क्वेश्चंस नहीं करे थे तो इस वजह से क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम ज्यादा लग गया लेकिन आता सब कुछ था तो इस तरह से करने के बाद एग्जाम वाले दिन तुम अपना ऑफ कोर्स एग्जाम दोगे एंड यू विल डेफिनेटली आर गोइंग टू पास विद फ्लाइंग कलर्स ठीक है अच्छे मार्क्स से तुम पास हो जाओगे प्लस यू कैन आल्सो प्लान अ रैंक एंड मैंने हर जगह पे एक चीज बोली हुई कि सबने अपना टारगेट 85 प्लस लगाना है क्योंकि 85 प्लस टारगेट अगर तुम लगाओगे तभी तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे और तभी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ए में तुम अच्छे मार्क्स से पास हो क्योंकि अगर तुम टारगेट ये लगाओगे कि तुम्हें फिफ्टी प्लस लाना है पास ही तो होना है तो बॉर्डर लाइन पे तुम रह जाओगे विच आई नेवर वॉन्ट कोई भी स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे रहे अब मैं एक छोटी सी चीज और कर रहा हूं मैं लास्ट पार्ट भी तुम्हारे को साथ ही बता रहा हूँ सेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया बिकॉज मुझे अभी अः

क्लास के साथ साथ उस वीक के लिए तुम्हारे को लेक्चर्स मिलेंगे प्लस एग्जाम किट सॉल्यूशन वीडियोस भी मिलेंगी बीपीपी की सेक्शन ए पूरी पूरी मोस्ट ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के मेजरली जो टफ क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने करा दिए जो रह गए हैं वो इजी इजी वाले हैं

ECCA, जैसे ये हमारे फर्स्ट फोर चैप्टर तक के नोट है ये देखो ये सारे नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे ये F7 के फर्स के फर्स्ट फोर चैप्टर कंबाइंड नोट्स मैंने मैंने बनाए हुए हैं इसमें हर टॉपिक को अच्छे से क्रक्स में समझाया हुआ है ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ा है जो छोड़ा है वो इससे छोड़ा है क्योंकि वो बुक से ही पढ़ना पड़ेगा वो क्रक्स में नहीं समझ सकते बट एवरीथिंग थिंग आई एव एक्सप्लेन सारे फॉर्मुले सब कुछ मैंने यहाँ पे कराए जो भी है ठीक है ये नोट्स सबको मिलेंगे एवरी स्टूडेंट विल गेट दिस नोट्स इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा हमारा रिकॉर्डेड के लिए अलग हाइब्रिड के लिए अलग और यहाँ पे जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे प्रेफरेंस पे मैं डाउट सॉल्व करूंगा एंड आई ट्राई जितनी जल्दी डाउट हो सकते हैं प्लस यू विल गेट रेगुलर टेस्ट एंड मॉक्स फॉर दी स्टूडेंट्स हु वांट टू वॉच द डेमो जिनको डेमो देखना है उनके लिए वी गाइड एप पे एक फर्स्ट uh, चैप्टर जो है तुम्हारा का उसकी डेमो तुम्हारे को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए तुम्हारे को कोई एडवांस फीस या कुछ भी नहीं करना यू कैन जस्ट रजिस्टर इन ऐप एंड वहां से यू विल गेट टू वॉच दीडियो उसके रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन अभी प्रशांत तुम्हारे को दे देंगे बट फर्स्ट उससे पहले अभी तक जो मैंने बताया लास्ट पार्ट तक एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी यू कैन रेज योर हैंड अगेन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन राइट इन दी यूट्यूब ओके सर ए में पासिंग परसेंटेज 50 है वो होल वर्ल्ड की है या इंडिया की पासिंग uh, परसेंटेज uh, हर कंट्री की अलग होती है एवरी कंट्री हैज पासिंग परसेंट डिफरेंस मैं अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडिया की पासिंग परसेंटेज हमारी 50 परसेंट के आसपास ही है ठीक है बट डोंट वरी तुम ये मत सोचो पासिंग परसेंटेज कितनी है कि तुम्हारे कितने चांसेज है तुम सोचो मेरे तो हंड्रेड चांस है पास होने के मेरा ये सोचना नहीं है पासिंग परसेंटेज हम क्यों सोचें कि इतने बच्चे पास होंगे हो okay, okay, so कि मैंने बताया था जो सी बी ई होता है सेंटर बेस्ड एग्जाम और रिमोट बेस्ड एग्जाम रिमोट बेस्ड एग्जाम में देर इज अ प्रॉपर इन्वायरमेंट जहां पे तुम्हारे को एक पूरा खाली रूम चाहिए इन द सेंस कोई भी आसपास ना हो बुक्स वगैरह ना हो ठीक है तुम्हारे को कोई डिस्टर्ब ना करे तुम्हारा लैपटॉप प्रॉपर हो कोई नोट्स तुमने साथ नहीं रखे हो ठीक है प्रॉपर इंटरनेट की स्पीड हो लाइट वगैरह ना जाए बहुत सारी चीजें होती है तो तुम अगर एग्जाम दे रहे हो गलती से लाइट चलेगी तो इशू आ जाता है प्लस ये जो रिमोट बेस्ड एग्जाम स्टार्ट करने का तरीका होता है उसमें भी कभी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है इनविजिलेटर की तरफ से या कुछ तो थोड़ा सा वहां पे एक कहते हैं ना तुम अगर एग्जाम देने जाओगे यू विल प्रेफर कि मैं सिर्फ एग्जाम देने पे फोकस करूँ अब मैं तुम्हें बोलू तुम्हें एग्जाम देने जाना है पहले तुम्हारे को ये फॉर्म फिल करना करना पड़ेगा ये कंप्यूटर में ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी वो करना पड़ेगा अपना पूरा कैमरा पूरा रूम दिखाना पड़ेगा इन्विजिलेटर को तुम पहली एग्जाम टेंशन है ऊपर से छोटी छोटी चीजें और हैं कुछ छोटा मोटा इशू हो गया तो भी तो दैट्स वाई रिकमेंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू गो फॉर सीबीई बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर आर रिमोट बेस एग्जाम यस फरीहा यू यू अ हैड डाउट हाँ मैं दो क्वेश्चंस या फरिया आह फर्स्ट वन इस आईव ऑलरेडी वाच्ड है यूट्यूब वीडियोस एंड आईम करंटली वन चैप्टर एड तो डू आई स्टिल नीड टू फॉलो द प्लानर और आई कैन मतलब अपने हिसाब से मैं कर सकती हूँ आह व्हाट यू कैन डू तुम सीधा एग्जाम किट क्वेश्चंस करो बीबीपी के ठीक ह

Name, के दोनों There's no restriction in Dubai as such. There are a lot okay. of students who are pursuing their course from Dubai, uh, you know, in other parts of Middle East as well. All but right. uh, okay. but when you're joining for any live classes from Dubai, just ensure the timing matches. Like uh, we schedule the timing according to our Indian timing, so just watch out the timing. That's it, because of the. So time. what's the usual timing for the classes? Uh, uh, it'll be during Sundays, uh, mostly post lunch. No, no, in Prashant, we'll keep on Saturdays.

तुम्हारे स्टडी हब क्वेश्चन हर चैप्टर के अलग है सो डोंट वरी कि तुम्हारे को बायोफिकेशन करनी पड़ेगी हर चैप्टर के अलग है और मैंने चैप्टर के साथ साथ जब तुम चैप्टर करोगे उसके साथ साथ एग्जाम किट में मैंने बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर के मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को सीधा हंड्रेड क्वेश्चन के वो सारा मैंने अपनी में सब कुछ कराया जो एग्जाम किट किस मैंने सोल्व करवाए वो उसी चैप्टर से रिलेट करते हैं तुम जब एग्जाम किन डू विच एवरी वन कैन डू एग्जाम वीडियो मेरी ओपन करो क्वेश्चन सामने होगा तुम्हारे जस्ट सॉल्व दंसर बायर सेल्फ आंसर निकालो देन प्ले एंड सी के मैंने आंसर क्या निकाला है क्या रीजनिंग से मैंने वो आंसर दी है ऐसे करके तुम अपनी एग्जाम केवल so के ऑल फोर सब्जेक्ट का क्या पैकेज है uh, इसके बारे में बात में बताऊंगा अभी लेट्स डिस्कस विद एफर ओनली सर बेसिक बेस्ड ऑन प्लानर एवरेज आर फॉर स्टडी नीड फॉर अ वीक एनी एस्टिमेट बिकॉज देखो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ इफेक्टिवली यू आर स्टडिंग ठीक है ना जो वीडियो मेरी है वो तो है ही उसके साथ साथ अगर तुम प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हो एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर मैं डेली का तुम्हें तो डेली अगर तुम टू आवर्स भी देते हो दैट इज मोर देन सफिशियंट इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है थ्री टू फोर आवर्स डेली इज मोर देन सफिशियंट जो लास्ट वीक होगा एग्जाम का दो तीन वीक्स हाँ वहां पे तुम्हारे को ऑफ कोर्ट सिक्स टू सेवन एट आवर्स देने पड़े बट इनिशियली एवरी डे थ्री टू फोर आवर्स

आई वुड रिकमेंड ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन एज वेल बिकॉज क्योंकि हमारा जो एप है कैसे, like, like, कैसे ज्वाइन करना है uh, कैसे बाय करूंगा कैसे डेमोस्टेशन देख लूंगा uh, आपका फीचर्स कैसे है mera hindi itna not you will feel very bad uh, that uh, someone is talking in that itna hindi so i will speak in english uh, for the most of the time so just bear with me for uh, for just 3 to uh, 2 to 3 minutes so that i am speaking in english uh, if you further have doubts please reach out to us we are happy to help you uh, there is a form link that i have given to you uh, i am gonna put it again if you just fill up the form link uh, our team will reach out to you second also is that uh, if you have any questions or doubts you want to call us uh, there is another number you can reach out to. You can uh, call this number or WhatsApp this number as well. Uh, we will be able to help you. You can also, if you have certain queries, you can also message us, okay? Uh, message us to a WhatsApp number. I'm going to mention the WhatsApp number over here uh, very soon. Just give me a second. Just give me a second. I'm going to men mention the WhatsApp number. So the whatsapp number is eight eight nine double one eight eight two eight two uh you can just send a hi to this number any troubleshooting with the app any issue with the website or anything or queries that you have you can reach out to this as well you will get a message to this app uh and lastly uh you know i'm now i'm gonna share my screen and tell show you how you can buy our course how you can access our app uh how you can uh, You know, uh, go to the My Learnings, what are the features of the app, etc. And also, I'm going to show you our flagship model, which will definitely help you uh, in your career as well, not just in your learning part. So, this is our guide app. All you need to do is go to www.vguide.in. If you just enter, uh, you will go to our homepage. Uh, there are information that is mentioned about v what is WeGuide and all of those things. Uh, if you want to know more about us, you can uh, go to our story and uh, learn about our learning system and our team and resources, etc. But rather, you want to buy the classes right away. You are excited to start your ACCA journey. Uh, there are uh, top courses which are listed here. Uh, Unme say you can select. Uh, also, if you want to navigate, uh, just go to the course tab over here, and there are two tabs. One is ACCA English, and ACCA Hindi since we are in actual source class i'm going to open acca hindi okay so if you go to acca hindi you will get selected uh, show, showcase all the acca hindi uh, classes and all you need to do is if you want to buy live sessions which is hybrid model go to our applied skill level hybrid model if you want basic and standard package which is just the recordings go to our acca hindi skill level recorded sessions so i'm just going to show you the skill level hybrid so, just click here on skill level hybrid. Okay. And as you can see, the subjects are mentioned here. Anshul sir teaches two subjects FR and AA. You can see over here, more than 100 hours of videos have been uploaded. Uh, more than 50 hours of video have been uploaded for AA. And this should be more, uh, could be some technical issue, but it, it is more than 50 to uh, 90, 80 to 90 hours for sure. And as you can see, what are the requirements, what are the details, all of those things are mentioned over here, which you can read it. And if you want to watch a demo, click on the demo video. It will take you to a page. As you can see, it's uh, loading. So it, in, uh, there are three videos that we have uploaded for demo. One is the introduction video. and uh, there is a marathon video of F3, which is the basic marathon video and FRK chapter one video all of them are complete video it's full length video uh, if you open chapter 1 video as you can see it's close to 1 hour so the entire 1 hour chapter 1 has been uploaded for you the entire chapter 1 has been uploaded for you okay now you have watched the demo videos you are very much interested you have attended the live session you want to buy and start off your journey it's a very simple process nothing complicated all you need to do is click on the buy now button I'm just going to go to the buy now button. Give me a second. My network is a bit poor. Just give me a second. So skill level hybrid. And you click on the buy now button. You can see the package that is mentioned. So 11,440 is excluding GST. If you just click on pay now, uh you will get the price which is including GST that is 13499 And the this package includes, as we already said, what all it includes the study materials, uh weekly live sessions. Questions, doubt solving, WhatsApp, everything will be included in this session. You can pay using your UPI, card, net banking, wallet, or uh, you know EMI option, which is that is available for your net uh, banking system and etc. So as per your uh, card, whichever is available, you can choose that. Once you have bought the classes, then definitely uh, you will be given access immediately. It's a real time access. All you need to do is go to the you know, picture that's uploaded here. Like as you can see, right-hand corner there is a picture. This is my access. So as you can see, my name is written, my contact number is written, and the user profile, purchase history are given. All you need to do is go to your Mycos, go to your Mycos. So I have bought these three apps, uh, these three courses. That's why these three are getting listed here. I can go to view lesson for financial reporting. As you can see, all the uh, all the items are getting uh, are shown. Shown here, like uh, the materials, the videos, everything. If you want to watch only the videos, you can just click on the videos, and all the videos will be shown. If you want to download your materials, as you can see the materials. If you go to the click uh, FR planner, right? This is the planner that we have been uh, sir is highlighting about. All the planners for which uh, sessions, what videos you need to watch are uh, are clearly mentioned here. You have to follow the planner which is mentioned over here this is downloadable just click right click and you can mention as save as so you can save it directly to your computer uh even other notes up uh Anshul ka handwritten notes jo hai, uh i will just show that as well Anshul ka handwritten notes uh, weekly planner hai, like i think there are certain notes no notes are added Anshul ka notes. Either add we used to send it via whatsapp so it will be sent via whatsapp even now the notes will be added into this so you can access it as well there will be quizzes as well uh, which you can attend uh, for that you have to go to the practice session so if you go to the practice session the quizzes will be uploaded all the quizzes of fr is, is given like chapter 1 to 6 7 to 11 12 to 16 etc all the quizzes are uploaded okay and live class to join for the live class on a weekly basis directly from our website or app all you need to do is click on the live class button click on the live class button we have not added the live class over here because this was the first live class session we are going to do it via zoom uh, the next live class onwards you will not be given zoom link you will be asked to access directly via the uh, via the app in this it will be listed and there will be a joining button you can join using that live class button all right, uh, if there is any questions, please do message in the chat box. I'm happy to answer them. And our flagship for V-Guide is actually something that I would like to tell you for two minutes is something called as a job portal. All the students who are buying our course, you will be having access to our job portal. Uh, very, recently, uh, uh, created, uh, very recently, we have created, very recently, we have created something called as a job portal, a job portal. Which will help you to apply for the jobs, etc. And uh, and, uh, and we we are in the flagship model now. It's gonna go live from first April onwards. Uh, very recently, also we have given jobs to uh, you know big four organizations in Bahrain. Uh, there were applications that were sent out from student side to uh, ma major small small uh, audit firms who are looking for part time jobs as well. So this is something it's a flagship for us, and all the students. Uh, for the next one year to one and a half years this particular job portal will be free of cost no additional charges no nothing will be given you can directly apply the resume will be sent to the uh, the employer directly any questions from anyone <clears throat> any questions All right, guys. So we are uh, almost uh, closing to the session. What week, sir? I'm graduation, five semester. Can I get uh, exemption for five subjects? Yes, you can. Please reach out to us via our contact number that I have shared with you. The price for uh, hybrid is thirteen four double nine. Price for the hybrid is thirteen four double nine. Thirteen four double nine. Okay. Uh, okay. So just one last yes. thing.

अगर तुमने मैराथन वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं, ठीक है कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी पहले रजिस्टर किया था और उन्होंने मैराथन वीडियोस देख लिए हैं, तो वो स्टूडेंट सिर्फ चैप्टर नंबर वन और टू करे बाकी इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद दिस चैप्टर बट फॉर द टाइमिंग आई वोट रिकमेंड अभी के लिए सिर्फ चैप्टर नंबर वन और चैप्टर टू तुम्हें इस वीक में करना है प्लस जो वीडियोस अब देखेंगे F3 की जिनोंने की की ली थी किसी के ये हम में करना चाहते हैं they want, in case. वैसे ज़रूरत नहीं बट इफ एनीवन वांट तो उस केस में विल प्रोवाइड कृष्णा क्विज जो है दैट विल ओनली फॉर स्टैंडर्ड एंड हाइब्रिड नॉट फॉर बेसिक इसके रिगार्डिंग व्हाट विल डू टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन उन सारे स्टूडेंट्स को हम अपना जो बेसिक हाइब्रिड और स्टैंडर्ड का पैकेजिंग एंड व्हाट ऑल यू विल गेट विल शेयर दैट इन दी ग्रुप सो दैट यू विल गेट टू नो तुम्हारे को किस पैकेज में क्या मिले एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली आई हैव अ लास्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स आई थिंक अंशुल सर आई थिंक द सेशन इज डन राइट ऑलमोस्ट डन नथिंग या अंशुल सर इफ यू कुड स्टॉप योर स्क्रीन शेयर आई हैव अ लास्ट रिक्वेस्ट आई हैव एक्चुअली Uh, on all the video uh, i want uh, students to all all of the students if you can please uh, uh, you know uh, start your video we'll just give a good thumbs up with the cheering to kick off our session for fr for the semester and i hope all of you will pass with five flying colors so i request all of you to just start your video just start your video just for a second just for a second so that i can click a snapshot and we'll all pass with flying colors. Just show a thumbs up like this. Show a thumbs up like this. Show a thumbs up like this. All right, guys. Please, all of you, please start. Yep, 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 yep. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay. Thank you, guys. I hope you have enjoyed the session. I hope you have enjoyed the session. Have a wonderful time. Uh, sir, can you stand the ACCA?

नहीं नहीं बस दैट्स फाइन ठीक है तो किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है दे कैन जस्ट आस्क मी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप वहां पे आई विल टेक योर डाउट एंड जस्ट स्टार्ट गाइस प्लानर को फॉलो करना अच्छे से ठीक है जस्ट प्लानर को फॉलो करना एंड एवरीथिंग वुड बी डन एंड सेट ऑन टाइम चलो आई सी यू इन द्लास क्लास क्लास नेक्स्ट क्लास सैटरडे टाइमिंग्स विल बी डिस्कस इन दी व्हाट्सएप ठीक है एंड विल हैव द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे टाइमिंग के लिए व्हाट आई विल डू आई विल नॉट